वेल हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम चवी। सो गाइस, आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ अपना पर्पल का हॉल, और इसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये तीन बॉक्सेस है मेरे पास, और ये मेरे पास तकरीबन एक हफ्ते से है। मैंने इनको ओपन भी नहीं किया है, ये मैंने अभी अभी ओपन किया, और ये वाला अभी तक ओपन ही नहीं किया मैंने। तो चलिए इसको खोल लेते हैं सबसे पहले, तो उसके बाद मैं शेयर करूंगी आपके साथ इनको। और ये मेरा नया लोकेशन है, जैसे कि आप देख सकते हो, आई एम शिफ्टेड टू माय न्यू होम हाउस। सो गाइस, ये कुछ इस तरह से बबल रैप होकर के मेरे को रिसीव हुए हैं। दिस टाइम ऑलमोस्ट जो मैंने खरीदा है दैट आर लिपस्टिक्स, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से लिपस्टिक्स की शॉपिंग नहीं करी थी, तो मैंने सोचा इस बार कर लेते हैं। और मैंने काफी सारे न्यूड शेड्स वगैरह ऑर्डर किए हैं, क्योंकि जब मेरी नई नई शादी हुई थी आज से 3 साल पहले, तो मैंने मोस्टली रेड्स, पिंक्स और मेजेंटा काइंड ऑफ शेड ले लिए थे, जो कि हर न्यूली वेड लेती है। जैसे कि क्या है, मैं एक काम करती हूँ, मैं सारा कुछ एक बॉक्स में इकट्ठा करती हूँ, मैं फिर आपसे मिलती हूँ, ताकि मैं ज्यादा आपको बोर नहीं करूँ। ओके, तो मैंने ये सारा ओपन कर लिया, इसमें मोस्टली सारी की सारी लिपस्टिक्स ही मिलेंगी आपको। और चलिए मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। सबसे पहले जो मैंने ली है वो है ये स्टे कोकी की मिनी साइज लिपस्टिक्स, जो स्टे कोकी की जी बड़ी लिपस्टिक जो मिलती है, यहाँ पिक्चर मेंशन करती हूँ, ये उनके छोटे वर्जन है। कुछ लोगों को अभी तक नहीं पता है, ये जब वो देखते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये छोटा साइज कैसे है, और बड़ा वाला जो है वो उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो आपको दिख रही है लिपस्टिक, ये उसकी मिनी साइज है, ताकि अगर आप ज्यादा लिपस्टिक आपकी वेस्ट हो जाती है, ज्यादा उसमें है, या ज्यादा टाइम तक आप चला नहीं पाते और वो सूख जाती है, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, मिनी वर्जन। जैसे कि हम यूट्यूबर्स जो हैं उनको बहुत सारा मेकअप जो है वो उनका इकट्ठा हो जाता है, उनके लिए ये बहुत बेस्ट है, क्योंकि एक तो उनके खत्म नहीं हो पाते। मेरे भी, मैंने जो 2 साल पहले भी ली थी, वो आई थिंक मैंने कोई एक बार यूज की है, कोई 2 बार यूज की है, तो सारा का सारा ढेर इकट्ठा हुआ पड़ा है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप चाहते हो तो ये वाला ले सकते हो। शेड्स जो मैंने इसमें पिक किए हैं, मैं आपको एक एक करके दिखा देती हूँ। पहले तो ये 5 लिपस्टिक्स हैं, हाँ, और मैंने मोस्टली, जैसे मैंने पहले भी बताया, मैंने न्यूड शेड्स ही पिक किए हैं। तो चलिए मैं देख लेती हूँ। सबसे पहले ये है लस्ट इन माई ब्लड। तो जितना मुझे समझ में आया, मैंने रिव्यूज देखे थे ऑब्वियसली, बिकॉज जो उन्होंने डिस्प्ले कर रखा है साइट के ऊपर, दैट आर नॉट सिमिलर। अगर आप वो देख करके ऑर्डर करोगे तो डेफिनेटली आपका शेड कुछ और ही आने वाला है। तो आप जरूर स्वाचेस देख लें और वीडियोस भी चेकआउट कर लें और यूट्यूबर्स की, तब आप जाकर के बाय करें, अदरवाइज झोल होने वाला है बहुत ज्यादा। सो इट्स अ वेरी वेरी प्रिटी शेड्स विद रेड मरूनिश अंडरटोन, दिस काइंड ऑफ शेड। और मैं फिर से आपका नाम बता देती हूँ, लस्ट इन माई ब्लड। तो इनके स्वाचेस मैं आपको एक अलग वीडियो में दूंगी, अगर आप चाहते हो तो डेफिनेटली मैं वीडियो बना दूंगी आप लोगों के लिए। तो ये है फर्स्ट शेड। सेकेंड शेड जो है वो मेरे पास ड्रंक इन लस्ट 26। आई जस्ट लव दिस शेड, मुझे बहुत पसंद आया था। शायद बॉटल में आपको ये काफी सिमिलर लगे, बट सिमिलर नहीं है, ये बहुत ज्यादा डिफरेंट शेड्स हैं। पांचों दिखाने के बाद आपको एक हैंड स्वॉच में जरूर दिखा दूंगी, अदरवाइज एक और वीडियो में जरूर लेके आऊंगी, इसके बाद ही आएगी वो वीडियो, तो मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आप मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे रेड कलर का बटन है, इसको हिट करेंगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और बेल बटन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना, अगर आपने वो नहीं किया तो आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आएगा और आप वो वीडियो मिस कर दोगे। अगर आप डेफिनेटली देखना चाहते हो ये वाला वीडियो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली ये वाला लेके आने वाली हूँ, तो बी स्टे ट्यून्ड। ओके, सो नेक्स्ट शेड जो है वो है लेट्स मेक अ पर्ल नेकलेस 27। ये कुछ इस तरह का शेड है। आई थॉट, मतलब बहुत रेड रेड लगा लिए तो कुछ इस तरह के शेड जो है, एक आधा मैं आपको लगा के दिखा देते हैं, ऐसा 9 साफ हो जाएगी ना, कोई भी नहीं दिखाऊंगी तो मुझे कुछ कोई अच्छा नहीं लग रहा, बट बहुत सारे कलर्स हैं तो आई थॉट बहुत ज्यादा टाइम जो है वो लग जाएगा। देखो बहुत बड़ी शेड है, अगर आप नूड के फैन हो तो आपको ये शेड बहुत पसंद आएंगे। मोस्टली कलेक्शन वही है मेरी ये वाली, तो काफी टाइम हो गया था मुझे शॉपिंग की वाली लिपस्टिक का, पाई था चलो कर लेते हैं हम। सो मैं अपने कपड़े ना गंदे कर दूं अब। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मेरे पास है स्लटी चॉकलेट किस 24। दिस इज 24 और ये शेड भी मुझे बहुत पसंद आया था, बहुत ज्यादा। मैं बहुत ज्यादा मेकअप भी नहीं कर रखा है गाइस, तो प्लीज
देख लेना। और ये शेड बहुत प्रिटी है, बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे, बहुत ज्यादा। हर शेड में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है जो हार्डली नजर आता है, कुछ शेड्स मुझे बिल्कुल सिमिलर, जैसे ये दोनों बिल्कुल सिमिलर ही लग रहे हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क है इनमें। ये थोड़ा सा रेड अंडरटोन हल्का सा चला जाता है ब्राउन रेड में, और ऊपर वाला जो है वो थोड़ा सा मूविश में चला जाता है। सो यस, ये कलर्स जब लिप्स पे लगते हैं ना तब अलग जादू करते हैं, रादर देन अगर आप इनको हैंड पर स्वाच करते हो तो। तो इसलिए बोल रही हूँ एक लिप स्वाचेस की वीडियो मैं अलग से बना दूंगी, इतने सारे मैं नहीं कर पाऊंगी साथ में क्योंकि ऑलमोस्ट 20-30 हो जाएंगी आई थिंक, तो इतने सारे नहीं कर पाऊंगी। सो डेफिनेटली एक अलग से वीडियो जरूर लेके आऊंगी। नेक्स्ट है मेरे पास आई वोक अप लाइक दिस, ये मैंने अभी लगा रखा है और बहुत अच्छा लगा मुझे ये वाला शेड। मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया है ये वाला शेड, और यहाँ पे पता नहीं क्या था। ओके, तो ये मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था, और ये लिपस्टिक्स को अप्लाई करने से पहले आपको अपना मॉइस्चराइजर जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज ये ड्राइंग होती हैं, थोड़ी सी ड्राई होती है। इनका फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, जस्ट लाइक इनका जो बड़ा बॉटल आता है बिल्कुल सेम है, ड्राइंग है। अगर आप विंटर्स में लगा रहे हो तो डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा मॉइस्चराइज, अगर समर्स में भी लगा रहे हो तो भी करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा अगर आपके लाइंस वगैरह है तो वो बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाती है, वो दिखती है बहुत ज्यादा। और न्यूड शेड्स में तो स्पेशली आपको यूज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज बहुत ज्यादा दिखेंगी। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट मैंने ये ली थी जो रेंडम हाथ में आएगी तो मैं दिखा दूंगी आपको। नेक्स्ट है ये स्टे कोकी की है किस एंड टेल, और इसका शेड नंबर, वन सेकेंड इसके ऊपर मुझे देखना पड़ेगा। ओके, इसका शेड है ही इज नॉट माइन 10, तो ये वाला है, ये बहुत अभी वाली जो नई लॉन्च हुई थी उसमें से है ये, और ये बहुत प्रिटी शेड लगा मुझे, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मैं आपको थोड़ा सा स्वॉच करके दिखा देती हूँ हाथ के ऊपर। इसका जो एप्लीकेटर है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, ये देखिए ये वाला है, ये वाला बहुत अच्छा लगता है अगर आप कुछ बहुत हल्का फुल्का अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप अनमैरिड हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल हैं तो भी आप ये अप्लाई कर सकती हैं, बहुत प्रिटी लगेगा। ठीक है, तो ये है मिनी वाला, इसको मैंने अभी तक लिप्स पे अप्लाई करके नहीं देखा है, जिसका फॉर्मूला के बारे में अभी आपको कुछ नहीं कह सकती। मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगी, मैं लगातार इन्हीं के ऊपर ही वीडियो बनाऊंगी ताकि मैं इसको खत्म कर लूं, वरना ये पड़ी रह जाएंगी। उसके बाद मैंने एक और लिया था, इसके ऊपर पैकेजिंग भी था कुछ इस तरह का, बट ओके मैंने इसको निकाल लिया हुआ है, और ये है शेड नंबर लंच एट सैंड्यून्स 29, और ये जो नया फॉर्मूला आया था NY की लिपस्टिक्स का, ये वो वाली लिपस्टिक्स हैं, और ये बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करती है। जो पहला उनका था वो बहुत ड्राई आउट करता था और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था, वो मेरे पास पड़ी भी है और ना मैंने उनके स्वॉचेस किए ना मैंने उनके ऊपर कोई वीडियो बनाई क्योंकि बहुत ज्यादा ड्राइंग थी और मैंने कभी उन्हें लगाया भी नहीं है, वो एज इट इज मेरे पास पड़ी हुई है। सो ये शेड बहुत ज्यादा अच्छा है, मैंने इसको रिसेंटली अपने एक फंक्शन के ऊपर वेयर किया था एंड एवरीबडी इज लाइक इट इज सो प्रिटी, बहुत अच्छा लगा था। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी अगर आप चाहते हो तो, मैं डेफिनेटली यहाँ दिखा दूंगी। ये बहुत अच्छा शेड है, मतलब प्रॉपर ब्राउन न्यूड शेड, प्रॉपर वाला ब्राउन शेड है, बहुत प्रिटी लगता है, मुझे बहुत पसंद आया ये। सो ये है इसका शेड। उसके बाद मेरे पास है NY की ये बुलेट लिपस्टिक, और इसमें मेरे पास जो शेड है वो है शेड नंबर 1, और इसका नाम क्या है, पेपी पियर्सन 1। तो ये शेड मुझे काफी पसंद आया था, मैंने काफी रिसर्च किया है गाइस इस वीडियो के लिए, इन न्यू शेड्स को ढूंढने के लिए मैंने बहुत सारा रिसर्च किया है। सो आई थॉट आप अप्रिशिएट करोगे, एक लाइक तो जरूर बनता है इस वीडियो के लिए क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च किया है, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने सारे के सारे न्यू शेड्स ढूंढ निकाले हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिनको न्यू शेड्स पसंद है उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सो ये है इसका शेड, ये कुछ ब्राउनिश हल्का सा इसमें मूव का टिंच आता है जो मैं आपको अभी स्वॉच करके दिखा रही हूं। ये कॉलेज गोइंग गर्ल्स भी यूज कर सकती हैं और अनमैरिड,
और मैं तो इसको यूज़ करने ही वाली हूँ, हालांकि मैं मैरिड हूँ। जिनको न्यूट्रिएंट्स पसंद है वो इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद जो है मेरे पास वो है ये फेसिस की, इसको मैंने अभी तक खोला ही नहीं है, और इसका जो शेड नंबर है वो है नेचुरल अर्थ 15। ये उनकी मैट वेटलेस मैट फिनिश लिपस्टिक्स है। ओके, तो ये कुछ इस तरह की दिखती है, काफी अच्छी पैकेजिंग है इसकी, जस्ट लाइक मैक। हाँ, ये काफी हद तक उसकी तरह ही दिखती है, और बाहर से ये मैट है, काफी अच्छा वाला टेक्सचर है इसका, सॉफ्ट सॉफ्ट काइंड ऑफ। सो इसको ओपन करके देख लेते हैं, आई होप ये शेड मुझे पसंद आए। ओके, इसका क्लोजर अच्छा है, अगर आप इसको कैरी करते हो तो ये बिल्कुल नहीं खुलेगा, बहुत अच्छा क्लोजर है इसका। ओके, सो वाओ, इट्स अ प्रिटी शेड, इट्स अ वेरी प्रिटी शेड, आई जस्ट लव दिस शेड, कैन यू सी दैट, इट्स अ ऑरेंजी ब्राउन शेड, यस, वेरी अर्थी टोन, सो लेट मी स्वॉच इट हियर। वाओ, दिस इज सो प्रिटी, दिस इज सो 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 प्रिटी, वाओ, कैन यू सी दैट, सो प्रिटी, आई जस्ट लव दिस वन। मैं जरूर इसका लाइक स्वॉचेस आपके साथ शेयर करूंगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, मैं साथ साथ में इसको पैक कर रही हूँ क्योंकि इसके बाद मुझे खाना बनाने जाना है, मेरे पास टाइम नहीं होगा, तो मैं साथ साथ में इसको पैक कर रही हूँ। उसके बाद ये मुझे मिला है गिफ्ट साथ में, जब मैंने शॉपिंग किया था तो ये मुझे साथ में मिला, हालांकि मैं अब रेड शेड्स जो है वो नहीं खरीदती हूँ। ये अगर आपको पसंद आए, अगर इनकेस आप रेड के फैन है, ये मेरा बेटा है और इसका शेड है बिग एप्पल बेब 4, ये वाला, ये कुछ टमेटो रेडिश शेड है, अगर आप इस तरह के शेड पसंद करते हो, और मुझे भी बहुत पसंद है, अगर मैं कहीं शादी में जा रही हूँ और मैंने कुछ इस तरह का वेयर किया हुआ है तो मैं डेफिनेटली कुछ इस तरह का कलर ही वेयर करूंगी। अ ब्लड रेड काइंड ऑफ शेड, बहुत प्रिटी है, बहुत सुंदर है, आई एम इमेजिनिंग दिस ऑन माई लिप्स, बहुत अच्छा लगेगा, ट्राई करेंगे। इन दोनों के लिप स्वॉचेस आपको साथ में दूंगी मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट, कुछ अलग है या सेम है सारा कुछ। आगे मैंने ये मंगवाई है, ये NY की है जो नई अभी आई थी, और हाँ एक अलग से है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी अभी। सो ये है ब्लू हेवन की एलिगेंस मैट लिप कलर, और इसको हम खोल लेते हैं, इसका शेड नंबर क्या है, लेट मी जस्ट सी व्हाट इज द शेड। ओके, दिस इज इन द शेड 11, इट हैज नो नेम, ओके, इसका कोई नाम नहीं है, बट इसका शेड नंबर जो है वो 11 है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो पैकेजिंग इज गुड, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, सो प्राइस इनके जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर मेंशन हो जाएंगे, मुझे किसी के प्राइस याद नहीं है तो आपको स्क्रीन के ऊपर मेंशन हो जाएंगे। इट्स ऑल्सो अ न्यूड शेड, ओके, इट्स अ वेरी डिफरेंट शेड दिस वन, मुझे लगता है ये मुझे सूट नहीं करेगा। ओके, लगा के देखेंगे, अभी कुछ नहीं कह सकती हूँ मैं, क्योंकि सूखने के बाद हमेशा शेड्स जो है वो थोड़े से डार्क हो जाते हैं, तो हम इसको लगाने के बाद देखेंगे ये क्या कहता है। ओके, सो दिस वन इज, ये फेयर टू मीडियम के ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, ट्राई करके देखना चाहिए, बहुत अच्छा लगेगा, मेरे ख्याल से अच्छा लगेगा। ओके, तो मैं इनको जरा अनपैक कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो सारे के सारे अनपैक करने लग जाऊंगी तो बोर हो जाओगे आप, लेट मी जस्ट अनपैक दीज। ओके, तो ये मैंने अनपैक कर ली है, लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी जो सिंगल शेड है मेरे पास, वो मैं पहले शेयर कर दूँ। ये है बेल वॉस्ते का अल्टीमेट लिक्विड लिपस्टिक, और ये रिटेल करता है 299 रुपीज में, बट ऑफ में ये मुझे 50% ऑफ पे मिला है, सो ये मुझे 150 रुपीज में मिला है, और इसका शेड है 04 सिनेमन, जो मैं आपको अभी लगा के दिखाने वाली हूँ यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा ये वाला शेड, बट इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि अभी तक मैंने इन्हें स्वॉच नहीं किया है। सो यस, ये है, ये हो गया। उसके बाद ये जो नए आए थे लिपस्टिक्स NY के, वन सेकेंड,
ये वाले, तो ये मैंने मंगवाए हैं, ऑलमोस्ट लूम शेड्स हैं। कुछ एक शेड मुझे पसंद नहीं आया है जो मैं आपको पहले बता देती हूँ। मुझे ये मोर शॉर्ट्स शेड नंबर 11 ये वाला पसंद नहीं आया क्योंकि ये मुझे सूट नहीं किया, पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगा मुझे, बट हो सकता है किसी मेकअप लुक के साथ ही अच्छा लगे। मैं आपको इनके स्वाचेस जो है वो दे देती हूँ। इनमें से जो सबसे डार्क शेड मैंने मंगवाया है वो है ये वाला, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह की शेड, पर्पलिश काइंड ऑफ शेड। तो ये है शेड नंबर 2 बिंगिंग, ये इसका शेड है और इसको हम स्वाच कर लेते हैं। मैंने अभी तक इनमें से किसी को भी स्वाच नहीं किया था सिवाय उस शेड के, बाकी सारे मुझे बाहर से देखने में अच्छे लगे तो नहीं अच्छा लगा था वही स्वाच किया था मैंने। ओके, इनका एप्लीकेटर जो है वो सॉफ्ट है, आगे से इस तरह से मूवेबल है तो लगाने में काफी आसानी हो जाती है। ठीक है, तो शेड में आपको दिखा देती हूँ। वाओ, इट्स अ वेरी प्रिटी डार्क मूविश शेड, बहुत पसंद आया मुझे ये वाला शेड, बहुत ज्यादा काफी अच्छा शेड है। मेरे लिए वो शेड्स न्यूड होते हैं जो थोड़े से सटल होते हैं, बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं होते हैं और लाइट होते हैं, वो मेरे लिए न्यूड्स होते हैं। अदरवाइज सबकी अलग अलग डेफिनेशन होती है, मेरी यही है। उसके बाद नेक्स्ट है ये स्नगल सीक्रेट 15, शेड नंबर 15। ये बहुत ज्यादा अच्छा जो है वो शेड है और मैं सारी लिपस्टिक्स खराब कर रही हूँ इससे, जो मुझे नहीं करनी है। ओके, आज मैं इसको बाद में क्लीन कर लूंगी। फर्स्ट मैं आपको इसका शेड दिखा रही हूँ। इसकी जो पैकेजिंग है वो बिल्कुल भी फ्लिम्सी नहीं है, बहुत अच्छी पैकेजिंग लगी मुझे ये वाली लिपस्टिक्स की। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा, वाओ इट्स अ वेरी प्रिटी शेड, उनकी पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा अच्छी है, मुझे बहुत ज्यादा रब नहीं करना पड़ रहा है। इट्स अ ब्राउनिश न्यूड शेड, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा ये लिप्स के ऊपर, आई एम डैम श्योर। और इसकी जो वीडियो है बहुत जल्दी आएगी मेरे चैनल के ऊपर। फर्स्ट मैं स्टेक वॉकी के लिप स्वाचेस जो है वो करने वाली हूँ, उसके बाद ये वाली वीडियो आएगी, तो मेरे साथ बने रहिएगा। बेल बटन को हिट कर दीजिएगा अगर आप मिस नहीं करना चाहते हो। नेक्स्ट है ये मेरे पास मग्स एंड हग्स 12। ओके, इनका जो नाम है वो मैं आपको पहले बता दूं, मैंने आपको नाम ही नहीं बताया इन लिपस्टिक्स का। इनका नाम है NY प्राइम प्राइमर प्लस मैट लिक्विड लिपस्टिक। सो ये काफी सॉफ्ट होंगी लगाने में आई एम श्योर, और मैंने लगाई भी थी, काफी सॉफ्ट थी, बट उससे पहले आपको मॉइस्चराइज जरूर करना पड़ेगा आपकी लिप्स को, अदरवाइज थोड़ा सा खराब हो जाएगा काम। क्योंकि कोई भी लिक्विड लिपस्टिक आप अगर आप विंटर में लगा रहे हो तो आपको मॉइस्चराइज करना ही पड़ेगा। ये है इसका शेड और ये बहुत अच्छा लगा मुझे। अब देख रहे हो नूड्स में काफी ज्यादा वैरायटी होती है, ऐसा नहीं कि एक लाइट शेड हो गया और उसको नूड बोल दिया, नहीं, बहुत ज्यादा वैरायटी होती है। कोई भी कलर एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, बट दे आर वेरी प्रिटी। सो नेक्स्ट, उसके बाद है मेरे पास ये वाला शेड मोर शॉर्ट्स 11, जो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। ये काफी फेयर टोन वालों को बहुत अच्छा लगेगा, बट थोड़ा भी अगर आप मीडियम से थोड़ा सा भी अगर आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो डार्क है हल्की सी भी, तो आपके ऊपर ये नहीं जाने वाला है। मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी इनके स्वाचेस। ये पिंक अंडरटोन में जाता है, दैट इज वाई दिस इज नॉट माई शेड। ठीक है जी, ओके, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मेरे पास शेड नंबर लेडीज नाइट 6। इसमें आपको रेड्स पिंक्स सब कुछ मिल जाएंगे, तो आप जाकर के ट्राई कर सकते हो, बट आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जरूर स्वाचेस जरूर देख लें इनके, क्योंकि जो डिस्प्ले होती है बबल के ऊपर साइड के ऊपर दे आर डिफरेंट, वेरी वेरी डिफरेंट। इस बात की शिकायत मुझे हमेशा रहती है पर्पल से कि बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं शेड्स, जो भी हम डिस्प्ले होते हैं या जो हमारे पास आते हैं दे आर वेरी डिफरेंट। तो ये वाला शेड है जो मैं अभी आपको स्वाच करके दिखा रही हूँ, लेडीज नाइट 6। ये भी मुझे बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगेगा ये वाला शेड स्पेशली फॉर माई वीडियोस। ओके, तो ये जो शेड मैं आपको दिखाई, अगर आप कॉलेज गोइंग हो तो भी आप यूज कर सकते हो एक्सेप्ट दिस वन, ये थोड़ा डार्क हो जाएगा। ये चारों शेड्स आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। ओके जी, तो ये हो गई मेरी सारी लिपस्टिक्स जो मैंने आपके साथ शेयर कर रही थी। ये एयरबैग जो उन्होंने डाल के दिया था, पैकेजिंग काफी अच्छी थी पर्पल की, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। उसके बाद मैंने कुछ लिप्स ऑर्डर करी थी नेल पेंट्स,
ये है फर्स्ट नेल पेंट, इसका जो नाम है वो है स्टेक वर्की नेल पॉलिश। और इसके जो मैंने शेड ऑर्डर किया था ये 90 रुपीज की है, बट मुझे ऑफ में ये 65 रुपीज की मिल गई थी। और इसका जो शेड है वो है 2261, हाँ ये इसका शेड है। ये कुछ हमारी जो मूंग दाल होती है ग्रीन कलर की, ये कुछ उस तरह का शेड है और मुझे काफी पसंद आया था। और उसके बाद ये मुझे फ्री मिली थी, तीन थी इनफैक्ट, तीन का मुझे सेट मिला था फ्री में, पर मुझे नहीं पता था कि पर्पल मुझे एक ही कलर भेज देगा। सो एक मैंने अपनी सिस्टर को दे दी और एक मैं किसी और को दे दूंगी डेफिनेटली, क्योंकि एक का मैं एक ही कलर का क्या करूंगी मैं। सो अगर आप शेड जानना चाहते हो मैं आपको दोनों ही लगा के दिखा देती हूँ। तो इसका जो शेड है वो है 10 और इसमें जो शेड था स्टेक होके में वो था 2261। सो सर फर्स्ट मैं आपको ये वाला लगा के दिखा रही हूँ, ग्रीन वाला, ये मुझे बहुत पसंद आया था। इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रीन शेड, सो दैट इज वाई मुझे थोड़े डिफरेंट कलर ही अच्छे लगते हैं। वही पिंक्स और रेड्स के ऊपर स्टिक नहीं रहती हूँ, आई एम अ डिफरेंट पर्सन। सो इसको आपको डबल कोट करना पड़ेगा। अगर आप लाइटली पसंद करते हो तो ये कुछ फर्स्ट कोट में ऐसा दिखता है। मैं इसको आपको डबल कोट करके दिखाऊंगी अभी, इसको थोड़ा सा सूखने देते हैं, तब तक हम सेकेंड वाला स्वॉच कर लेते हैं। पिगमेंटेशन थोड़ी सी कम है और कलर ही वैसा है एक्चुअली इसका। ये ग्रे वाला स्वॉच कर लेते हैं, मैं यहीं पे आपको करके दिखा रही हूँ। इसको भी आपको लेयर करना पड़ेगा कुछ इस तरह, ये बहुत प्रिटी लगेगा अगर आप इसको अप्लाई करते हो तो। इसको भी मैं आपको लेयर करके दिखाती हूँ, दो मिनट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ जो मुझे गिफ्ट्स मिले थे और इसके साथ। ये मुझे मिला है ट्रेवल साइज गुड वाइब्स का आर्गन फेशियल ऑयल विद सिल्वर लीव्स। ये मेरे पास नहीं था, आई थिंक आई हैव गोल्ड लीव्स वाला, हाँ मेरे पास गोल्ड लीव्स का था, सिल्वर लीव्स वाला मेरे पास नहीं था। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ ट्रेवल साइज कैसा होता है। तो ये होता है ट्रेवल साइज, इनके साथ आपको ट्राई करना है। ये कांच का बॉटल ही है जैसे कि आपको बड़ी पैकेजिंग में रिसीव होता है, बट ये थोड़ा छोटा होता है ताकि आप टेस्ट आउट कर लो कि आपको ये सूट करता है या नहीं करता है। इसमें आपको सिल्वर कलर के छोटे छोटे लीव्स जो है वो मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। तो मैं थोड़ा इसको ट्राई करके देखती हूँ। जो गोल्डन लीव्स वाला है वो ज्यादा ड्राई स्किन वालों के लिए है और ये नॉर्मल टू ऑयली या ड्राई स्किन वाले यूज कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली इसको ट्राई करके आपको जरूर बताऊंगी। ओके सो हम इसको लेयर करते हैं अब हमारी नेल पॉलिश को, देखते हैं कैसा कलर आता है। येलोइश ग्रीन कलर बोल सकते हो आप इसको, येलो अंडरटोन है इसके अंदर। आई लव नेल पेंट्स पर मुझे लगाने का वक्त नहीं होता आजकल। So this is the shade. It's a nice shade. I love it. Okay, तो ये हो गया ये वाला और मैं आपको वो ग्रे वाला भी लेयर आउट करके दिखा देती हूँ। इनमें से जिसका स्वॉच आप पहले चाहते हो, जिसका वीडियो पहले चाहते हो, मुझे डेफिनेटली कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे बेहद खुशी होगी अगर आप नीचे कॉमेंट करते हो, मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा शेड कौन सा लगा लिपस्टिक में से। ग्रे का तो आजकल वैसे भी बहुत ट्रेंड है गाइस, सो यू कैन ट्राई दिस। और इसका जो एमआरपी है वो मैं आपको बता देती हूँ, एनवाई वाले का इसका एमआरपी इसके ऊपर मेंशन नहीं है। इसको आप 36 मंथ्स तक यूज कर सकते हो, सो इसके ऊपर तो मेंशन नहीं है बट मैं आपको स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर दूंगी। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो ये देखिए तरह से मुझे ये कटिंग करनी पड़ रही है। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट दिस लिपस्टिक कलेक्शन, आपको मेरा कलेक्शन कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके, और आपको शेड कौन सा सबसे अच्छा लगा वो भी जरूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आपको, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप इनके स्वॉचेस भी देखना चाहते हैं तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें। मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्यूटीफुल, बाय बाय, लव यू ऑल।